दिल्ली के चारों ओर बसी टावर की जिंदगी में एक खास बात देखने को मिली। टेरेस व छतों पर साग सब्जियां उगाने की प्रथा है। हर घर में वेजिटेबल का वेस्ट फेंका नहीं जाता, उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और इसी के प्रयोग से साल भर सीजनल साग सब्जियां उगाई जाती है। ऐसा करने से गंदगी या प्रदूषण की समस्या न के बराबर उत्पन्न होती है। यहाँ टेरेस में सब्जियां उगाना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। हर घर में वेजिटेबल वेस्ट यानी साग सब्जियों व फलों के छिलके आदि वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हर टेरेस में कुछ न कुछ सीजनल उगाया जाता है। टमाटर, गोभी, बंद गोभी, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, प्याज, बैंगन व नींबू आदि सफलता पूर्वक उगाया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट का इससे अच्छा प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ छत पर की जाने वाली बागवानी में रसायन खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, मिट्टी में केवल जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। अंडे के छिलके को भी खाद के रूप में पौधों में डाल सकते हैं। छत या टेरेस पर पौधों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां सूरज की रोशनी और हवा अच्छी से पहुंचती हो। ये छत पर उगाई गई सब्जियां, नींबू, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, टमाटर, लौकी आदि सभी सब्जियां उगाई गई है। कंपोस्ट सारे वर्ष तैयार होती रहती है। शौकिया अपने को बिजी रखने व संतुलन के लिए ये एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस को सभी शहरों में प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। सभी टावरों में सुबह कूड़ा उठा इससे कंपोस्ट निर्माण होता है, जो वास्तव में अतिरिक्त आमदनी का स्रोत है।